देखिए सर के ऊपर बादल खड़े हुए हैं, ये देखें बारिश का मौसम है, वहाँ साइड में बादल आया हुआ है साइड में। भाई ये देख लीजिए, बकरी मेरे पास पड़ी हुई है और एक एक एलिफेंट पड़ा हुआ है, हाथी, और ये है रबर स्टफ में आवाज़ आ रही है। यार लोग देख रहे हैं हरम क्यों बज रहा है, ये रोजे का दान हो गया। आप सब लोगों को चांद मुबारक हो भाई, चांद नजर आ गया है, रमजान मुबारक हो। आप लोगों को भी मुबारक हो कि रमजान शरीफ के रोजे अल्लाह पाक मुबारक करे। या अल्लाह जितने भी मुसलमान बहन भरा बेटे बच्चे भाई जितने भी लोग हैं माए, अल्लाह सबको हिम्मत देना। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं? उम्मीद है खैर बरकत से होंगे, खुशहाल होंगे। और सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और घंटी की बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना। और आज वो जो ना मौसम भी बड़ा ख़राब हुआ है कराची शहर का, आज जो बोध का रोज़ है तो कह रहे हैं कि बारिश के चांस ज़्यादा है, और सत्ता पूरी रात भी लगी है। आज तो देखें दिन का टाइम शुरू हो चुका है, और मैं आपको दिखाता हूँ बादल कैसे खड़े हुए हैं। देखिए सर के ऊपर बादल खड़े हुए हैं, ये देखें बारिश का मौसम है, वहाँ साइड में बादल आया हुआ है साइड में, बारिश बड़ी सख्त आई हुई है। मौसम का कभी भी नहीं पता, कभी भी मौसम बिगड़ सकता है, और मौसम बड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कि मौसम का क्या होगा। अभी ये देखें ऊपर ऊपर देखें बादल कैसे आ रहे हैं, हल्के हल्के बादल आए हुए हैं, मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। अरे यार ये तो बतख की हवा निकल जाती है बार बार, अब ये देखें इसकी हवा नहीं डालता हूँ फिर निकल जाती है हवा, अब इसको पंप से डालना पड़ेगा। ये पंप है ना, मैं इससे हवा डालता हूँ, इसको डालते हैं ज़रा कितने इसका वाल जो है कहाँ पर लगा वाल, वाल है ना ये रहा वाल, ये रहा मेरे ख्याल से पंचर लगा। चलो भाई डाल दिया हवा, अभी सही हो गया। थक गए यार, अभी मैं काम कर रहा था, बहुत सफाई थी, सफाई कर रहा था, मिट्टी बहुत थी ना दुकान में, अभी सफाई की है, बालों की हालत ख़राब हो गई, थक गए यार बहुत ज़्यादा। ये देखें भाई मौसम ऐसा है, कभी बारिश का है कभी खूबसूरत मौसम है, कभी कभर ख़राब हो रहा है कभी सही हो रहा है, अभी कुछ पता नहीं, बारिश का कुछ नहीं पता। भाई ये देख लीजिए, बकरी मेरे पास पड़ी हुई है और एक एक एलिफेंट पड़ा हुआ है, हाथी, और ये है रबर स्टफ में। ये देखें बच्चों का बहुत ही फेवरेट आइटम है आजकल, बहुत चल रहा है ये, बहुत फेवरेट आइटम है। थोड़ा सा ये एक एक्सपेंसिव है, चीज़ महंगी है, अच्छा आइटम है, क्वालिटी अच्छी है इनकी, अच्छा आइटम है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, बच्चे बहुत लेके जा रहे थे, तो ये रबर स्टफ में आ जाता है। ये इसका साउंड ही नहीं चाहिए, देखें बटन भी दबाता हूँ, देखें साउंड आवाज़ भी बढ़ा, पता नहीं कौन सा डाल दिया लोगों ने, बस एक बकरी स्टाइल है, पहाड़ी बकरी, रबड़ की है, शॉपीज भी है, बच्चों का गेम भी है, बच्चे खेलते भी हैं, बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल ये। और ये देखें नेचुरल वर्ल्ड वालों का, और इसका साउंड देख लीजिए, ये देख ये साउंड दबाया, रबड़ भी बहुत अच्छी है इसकी, ज़बरदस्त रबड़ है। हाँ भाई बकरी और हाथी आपस में लड़ाई कर लोगे क्या तुम लोग, कौन जीतेगा भाई बताना ज़रा। हाँ भाई बच्चों आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया आप लोग? हाँ जी भाई ज़रा कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, पसंद आया? अच्छा जो उसकी ये प्राइस है मैं बता दूँ, ये इस टाइम जो है ना ये 1500 रुपये का, ये बहुत महंगा आइटम है लेकिन क्वालिटी इनकी अच्छी है, अगर 10 साल भी पड़ा रहेगा ना ये ख़राब नहीं होगा। ये देखें, और ये हाथी जो है ये थोड़ा सा महंगा है, बड़ा भी है मोटा भी है, इसकी कीमत तो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी बेइज्जती तो ना होना। अब ये है 1700 रुपये का इस टाइम, 1700 रुपये का, और बेहतरीन चीज़ है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, आइटम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बच्चे लेके जा रहे थे और बड़े भी लेके जा रहे हैं, एक शॉपीज भी है, बच्चों का खेल भी है। हाँ भाई आती क्या करेगा, मारेगा क्या हमें? तुम दोनों की आपस में लड़ाई हो जाए कौन जीतेगा। अब माल महंगा हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं, रेट कम ही नहीं हो रहे, रेटों में मसला तो आएगा, थोड़ा सा रेट बढ़ते हैं कभी कम होते हैं। भाई इसको यहाँ पर उठा के रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख लीजिएगा इसकी, और इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। हाँ जी अब इधर बैठे हो अच्छे लग रहे हो, मिलजुल के रहना आपस में, लड़ना नहीं। A few moments later. अभी चांद भी देखना पड़ेगा, अभी देखते हैं रोज़ों का चांद नज़र आएगा नहीं आएगा, अभी तो हो गया है शाम का टाइम, मगरब का टाइम भी हो चुका है, और अब तो बादल भी खड़े हुए ऊपर, चांद नज़र नहीं आ रहा, वो देखे ऊपर बादल लगा हुआ है, अब चांद कैसे नज़र आएगा, वो देखो चांद नज़र आ रहा है, बादल खड़े हुए चांद कहाँ से नज़र आएगा, वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था चांद नज़र आया, लेकिन अभी जो चांद के चांस है ही नहीं, बहुत कम है, बादल ऊपर खड़ा हुआ सर के ऊपर, और बारिश के चांस भी ज़्यादा थे, तो हो सकता है चांद नज़र आ जाए, क्या पता जुमरात को पहला रोज़ा हो जाए। One hour later. भाई रोज़े का ऐलान कर दिया, आवाज़ आ रही होगी,
वो देखो आवाज आ रही है यार, लोग देख रहे हैं हरम क्यों बज रहा है, ये रोजे का लाल हो गया। आप सब लोगों को मुबारक हो। भाई चांद नजर आ गया है, चांद का ऐलान कर दिया है और यकीन नहीं आ रहा भाई चांद नजर आ गया है। हम तो सभी चांद नजर ही नहीं आया भाई, जुमे को ही रोजा है, हम तो नजर आ गए भाई। सब लोगों को मुबारक हो चांद का, आप सब लोगों को चांद मुबारक हो भाई, चांद नजर आ गया है मुबारक हो। और कल से रोज़ा होगा, जुमरात को पहला रोज़ा है और सैरियाँ वगैरह कर लो अपनी और जितनी भी चीज़ें वो खरीद लो। और आज हम भी जाएंगे शॉपिंग करेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे और खाने पीने की चीज़ें खरीदेंगे। बस अल्लाह ताला हमारे ये दिन अच्छे गुजारे और रमज़ान के महीने अच्छे गुजर जाए। अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमा दे, आमीन। अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को ख़त्म अता फरमाए। अल्लाह करे ये रमज़ान का जो महीना है वो अल्लाह करे अच्छे तरीके से गुजर जाए और मुश्किल से जो हमारे मुल्क में जो मुश्किलें आई हुई अल्लाह करे वो भी ख़त्म हो जाए और महंगाई अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। लोग बेचारे गरीब जो है वो एक तो वो होता है ना कि रोज़े में एक होता है बच्चों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम ये चीज़ें खरीदें, हम ये चीज़ें लें। अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किलों का आसान फरमाए। और मौलवी साहब ने भी ऐलान कर दिया है कल से रोज़ा होगा और आज हम सहरी भी करेंगे जुमरात को और इंशाल्लाह रोज़े अल्लाह करे के अच्छे गुजर जाएंगे। हम उन सवालों के अंदर वो जो ना इत्तफाक़ पैदा हो, अल्लाह करे हम सवालों की मुश्किलों के आसान हो और अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। अल्लाह करे रोज़े अच्छे गुजर जाएँ इंशाल्लाह। चलो भाई अभी घर पहुँच गए हम लोग, अब हम घर पहुँच चुके हैं। रमजान मुबारक हो आप लोगों को भी मुबारक हो। अल्लाह ताला बेहतरी करे, अल्लाह पाक सही सलामत ये जितने भी रमज़ान शरीफ के रोजे अल्लाह पाक मुबारक करे। अल्लाह सब जितने भी मुसलमान मतलब अंदरूनी बैरूनी मुल्क में जिधर जिधर मुसलमान रहते हैं अल्लाह ताला सबके रोजे मुबारक करे। अल्लाह सबको घर घर की खुशियाँ नसीब करे और अल्लाह ताला जिस में मतलब रोज़े रखे अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, जो नहीं रखता उसको भी अल्लाह देते और से जिंदगी तंदुरुस्ती दे ना वो भी रोज़े। आमीन आमीन। खुदावंद करीम मैं यही अल्लाह पाक आपसे दुआ मतलब जितने भी मुसलमान हैं सबके रोज़े अच्छे करना। अल्लाह कुल जहान दे मुसलमान दिया दुआ दे सबके हमारे भी रोज़े भी अच्छे हो जाए और इंशाअल्लाह ताला आप मतलब अहमद ना हारे और देखना रोज़ों का पता भी और फिर हम फिर पछताते रहते हैं कि रोज़े क्यों जल्दी चले गए। होती हैं ईद आती है हमें खुशी होती है फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सब नेक और अल्लाह ताला सब दिया खुशियाँ नसीब करें सबको। आपको भी रमजान मुबारक हो, चाहिए और मिठाई भी आ गई है घर में, मिठाई भी अबे मिठाई कब खा ली कौन खा गया मिठाई। अपने प्यारे हबीब दे सदके या अल्लाह जितने भी मुसलमान भैन भरा बेटे बच्चे भाई जितने भी लोग हैं माए अल्लाह सबको हिम्मत देना रोज़े रखने की। अल्लाह ताला खैर खरीयत से गुजर जाएं, अल्लाह हमारे मुल्क की भी खैर करे। अल्लाह पाक जिस तरह मतलब लोग अपने अपने कामों पे लगे दें नए कामों पे अल्लाह कामयाब करे। अल्लाह पाक से ना जिंदगियां तंदुरुस्तियां दे नाल खुशियां नसीब करे और चले जी बिल्कुल मतलब मुझे अच्छा लगा ये दुआ करके आप ही मुझे दुआओं में याद रखना और मेरे बेटे को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना और ये आप मैं इसको मैंने ही खुशी दिलाई इस बात की। मैंने बोला बेटा आप ऐसा फारग ना बैठो और अपने मतलब वीडियो वगैरह बनाओ आपका दिल भी लगेगा आपको बातें भी करनी आएगी और फिर आपको मतलब खुशी भी होगी इस काम की ना। तो आप अपना काम करें आप अपना मोबाइल का इस्तेमाल सही रखें और आप लोग भी अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करें।
ते इंशाल्लाह ताला आपको सब जो भी आपके दिल की ख्वाहिश मुराद है अल्लाह पूरी करे और अल्लाह कामयाबियाँ दे और अच्छे अच्छे काम करें और हमारे लिए दुआ रखें। हम आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह सबको कामयाब करे और मुबारक हो आपको रमज़ान शरीफ। अल्लाह आमीन। चैनल को बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले चैनल में आपको। खुदा हाफिज़।